आइए आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसको सुनते ही दिल दहल उठेगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा और सोचने पर मजबूर। युवक ने दो लड़कियों के साथ दो दिनों तक जंगल में करते रहे दुष्कर्म। ये घटना गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड का है जिसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। घटना है 25 और 26 अक्टूबर का और उसके बाद उसके माता पिता ने थाने में जाकर के कराती। आप सभी का स्वागत है, आज आपको एक ऐसे सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसको सुनते ही आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचे नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि काश ये झारखंड अब यूपी बनते देर नहीं, ये झारखंड वह 20 साल पूर्व वाला यूपी। आप सोचेंगे कि काश यहां पे कैसा राज आ गया है, यहां पे कैसा दिन प्रतिदिन की घटनाएं अगर यदि आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं गिरिडीह जिला का आज से 24 घंटे पूर्व एक घटना के बारे में, जो घटना इतना दयनीय है, इतना ही खौफनाक है कि आप सुनेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। दो युवक होते हैं और दो युवक जो है सो दो लड़कियों का झांसा देते हैं और साथ ही साथ उसे शादी के लिए उकसाते हैं और शादी के लिए बुलाते हैं जंगल में। अब बात यहां तक यह है कि वो दोनों घटना, वो दोनों युवक और दोनों युवतियां कहां की है, गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र का वह घटना है जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर सच और मैं हूं राहुल कुमार। आज हमारे झारखंड में दिन प्रतिदिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है मानो आपके रोंगटे खड़े कर दे। आज से दो तीन दिन पूर्व बोकारो की घटना थी कि जीजा ने साली का, जब हम लोग मैदान जाते हैं उस समय बलात्कार कर लेता है, उस समय रेप कर लेता है, उसी तरह की घटना है, उससे कहीं बढ़कर के घटना है गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड का कि दो युवक होते हैं और दो युवतियां होती हैं जो दोनों युवक शादी का झांसा देकर के लड़कियों को बुलाती है, वो भी 16 साल की लड़की को और 17 साल की, एक की उम्र 16 साल की लड़की थी और दूसरी की उम्र 17 वर्ष, और जो दुष्कर्म करता है, जो रेप करता है उसका भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, 17 और 16 साल की बताई जाती है। ये घटना गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड का है और ये इतना खौफनाक घटना है। आए दिन हमारे पुलिस प्रशासन विभाग क्या कर रही है, हमारे तमाम जो जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कर रही हैं, वो सोचने वाली बातें हैं, लेकिन वो सबसे दूर दूर तक इनका नाता नहीं है कि जिस तरह से खौफनाक घटना होता है झारखंड के गिरिडीह जिला में, दोनों युवतियों को बुलाया जाता है और दो दिन तक जंगलों में रख करके दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं उनके साथ, और फिर घर भेज दिया जाता है, तब जाकर के उनके माता पिता दोनों अलग अलग दो FIR बिरनी थाना क्षेत्र में लिखवाते हैं। कितनी खौफनाक घटना है ये, हम बोल रहे हैं उस समय मेरा रूह कांपता है। अब सोच सकते हैं कि स्थिति क्या हुई होगी उस समय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिर झारखंड सरकार सोई कहां है, इस पे लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं ठीक किया जाता है। आज से 20 वर्ष पूर्व आप अगर यदि जाएंगे, सेम इसी तरह का घटना यूपी में होता था, आए दिन बलात्कार, आए दिन चोरी, आए दिन हत्या, आए दिन अलग अलग जगह रेप। आज हमारा प्रदेश, हमारा झारखंड वो चीज बनने से या शायद से पीछे नहीं हट रही है। लगातार आए दिन आप एक तरह एक से एक आपराधिक घटने आपके सामने होते हैं, आप देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड का, दुर्भाग्य है झारखंड के आवाम का कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां पे हर दिन हर माँ बाप, हर माँ भाई, हर भाई बहन सोचता है कि काश मेरी बहन या भाई जाए तो कैसे उसको सुरक्षित घर आए। और ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के सोए हुए कानून व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन जितना बड़ा घटना होता है छोटा कहां रहा साहब, सोचने वाली बात है। कहां सोई है पुलिस प्रशासन, कहां सोए हैं सिस्टम के लोग, किसी के मां बाप के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ऐसे दरिंदगी दरिंदे भरे इंसान को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी इनके दोषी हैं, जो भी इस पूरे कांड का जिम्मेदार हैं,
उन्हें सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। यह मेरी आपसे अपील है, मेरी दरख्वास्त है, तमाम झारखंड के सोए सिस्टम, ऐसा ठोस कदम उठाया जाए ताकि उस कदम को देख करके दूसरा के जहन में 20 बार नहीं 1000 बार कम से कम सोचे और करने से कतराए। इस तरह की घटना हमारे आस पड़ोस में हमारे सामने देखते हैं हम लोग रोज, और इसी माहौल में जी रहे हैं। पता ना कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाता है। यह दुर्भाग्य है झारखंड का, यह दुर्भाग्य है झारखंड के उन तमाम जिलों का जहां इस तरह के आए दिन आपराधिक घटने सामने आते हैं। मैं पुनः आप लोगों से, तमाम लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस न्यूज को, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उन दो दरिंदों को जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत फांसी की सजा हो, ताकि देख करके जो सजा हो अगला का रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए, अगला का रोआ खड़ा हो जाना चाहिए कि इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार 1000 दफा सोचे और कहे नहीं, इस तरह का घटना नहीं करेंगे। इसकी सजा बहुत खौफनाक होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहर, नमस्कार, जय हिंद।